السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياه الدنيا

और इस के साथ कि मैं यहाँ हूं मेरा दिल मदीने में है दुरुशरीफ पढ़ लीजिए अल्लाह तबारक व ताला हमारे दुरुशरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें मौत तक कसरत से अदब से अजमत से और इस के साथ कि मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है दुरुशरीफ पढ़ते रहने की तोफीकता फरमाए मेरी मोहतरम दीनी माओ और बहनों आज की मजलिस में कुछ बातें आपके सामने रखनी है अमल की नीयत से सुने मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है इन शह अगर इन बातों पर अमल कर लिया जाएगा तो जिंदगी पुरसकून हो जाएगी जिंदगी पुर रौनक हो जाएगी और जिंदगी में बहार आ जाएगी जरा दिल के कानों से सुने और अमल की नीयत से सुने क्योंकि जिंदगी जो बनती है वो अमल से बनती है अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है और वर्कशॉप पर भी आती है लेकिन जिंदगी उससे नहीं बनती जिंदगी तो अमल के करने से बनती है फरमाया हे अमल लाजिम तकमील तमन्ना के लिए वरना सिर्फ रंगीन ख्यालात से क्या होता है जब दिल ही बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है जब जमीन ही बंजर हो तो बरसात से क्या होता है तो जिंदगी में जो बहार आती है जिंदगी जो पुर रौनक होती है और जिंदगी में जो निखार आता है और दुनिया और आखिरत की जो खुशियां नसीब होती है वो इखलास के साथ अमल करने से नसीब होती है इसलिए तय करें कि इंशाल्लाह जो बातें सुनेंगे खुद भी अमल करेंगे औरों को भी बताने की कोशिश करेंगे अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को जो है अमल की तोफीकता फरमाए और अल्लाह हमें मरने से पहले पहले सच्ची तोबा करने की तोफीकता तो कुछ बातें आपके सामने रखनी थी उनमें से एक बात यह है कि औरतों को चाहिए मस्तुरात को चाहिए कि खाना जिक्रो फिकर के साथ बनाए जैसा खाना वैसे असरात मुरतब होते हैं जब खाना जिक्र के साथ बनाते हैं तो वो खाने में नुरानियत आती है और जितने लोग वो खाना खाते हैं सब के दिलों में नुरानियत आती है और ये वो नुरानियत है जो शरीयत और सुन्नत पर चलाती है तो इंशाल्लाह हमारा और सब घर वालों का दीन पर चलना आसान होगा क्या करें तो का अल्लाह का जिक्र करते करते खाना बनाए उम्मत के लिए दुआ करते करते खाना बनाए जब सही मानों में सब दीन पर चलेंगे तो कोई एक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा तो इन शाह जिंदगी में एक बहार आ जाएगी जिंदगी में निखार आ जाएगा जिंदगी पुर रौनक हो जाएगी एक बुजुर्ग एक घर में खाना खाने के लिए गए खाने में अजीब व गरीब नुरानियत शोहर ने कहा हजरत मेरी बीवी ने ये आपका खाना बहुत दिल से बनाया है भाई दिल से खाना बनाया इसका क्या मतलब तो कहा हजरत आपका खाना बनाते हुए मेरी बीवी ने ग्यारह मरतबा पूरी यासीन शरीफ पड़ी है अल्लाह अकबर कबीरा जो औरत इतनी नेक हो कि खाना बनाते बनाते ग्यारह मरतबा यासीन शरीफ पढ़ ली उसके रात दिन के मामूलत कैसे होंगे क्या वो सुबह के वक्त में यासीन शरीफ नहीं पढ़ती होगी क्या वो रात में यासीन शरीफ नहीं पढ़ती होगी क्या वो मगरिब के बाद तबारक नहीं पढ़ती होगी क्या वो सोने से पहले अलिफ लाम मीम सजदा नहीं पढ़ती होगी क्या वो तहज्जुद इशराक चाश्त और अवाबीन नहीं पढ़ती होगी जो खाना बनाते बनाते ग्यारह मरतबा यासीन शरीफ पढ़ती हो और अपने खाने के अवकात को ऐसे वसूल करती हो उसके दीगर अवकात तो कितनी कदर दानी करती होगी और कदर करनी भी चाहिए क्योंकि जो वक्त चला जाए वो दो बारा लौट कर नहीं आता और एक बात सुन लीजिए हर औरत चाहती है कि खाविंद के दिल में मेरे शोहर के दिल में मेरी मोहब्बत बढ़ जाए शोहर के दिल में मोहब्बत तो होती है बीवी की औरत की सोच होती है कि ये बढ़ जाए ये मुझे वक्त दे ये मेरा दीवाना हो जाए मेरी बात माने मुझे समझे, मुझे टाइम दे, मुझे खुश करे, मुझे खुश रखें बच्चों की तरफ तवज्जो करें औरत की चाहत होती है कि शोहर के दिल में मेरी मोहब्बत बढ़ जाए और होनी भी चाहिए के शोहर के दिल में मोहब्बत बढ़ जाए आप एक बात याद रखें आपके लिए पूरी दुनिया एक तरफ और आपका शोहर एक तरफ पूरी दुनिया एक तरफ आपके लिए और आपका शोहर एक तरफ अगर पूरी दुनिया आपसे खुश है शोहर आपसे नाराज है तो क्या आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी तो कहना, ना और पूरी दुनिया आपसे नाराज है लेकिन आपका शोहर आपसे खुश है तो आपकी जिंदगी की गाड़ी बहुत शानदार चलेगी इनशाला मैं ये नहीं कहता कि लोगों को नाराज कर दे सिर्फ शोहर को खुश करे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शोहर को खुश करें और अल्लाह की किसी मखलूक को हमारी तरफ से कोई तकलीफ न पहुंचे इसकी कोशिश करें तो हर औरत की चाहत होती है कि मेरे शोहर के दिल में मेरी मोहब्बत बढ़ जाए और मेरे बच्चे मेरे फर्मा बरदार हो जाए कोई वजीफा है कोई ऐसा अमल है कि जिससे घर का पूरा माहौल शानदार हो जाए बच्चे मां का कहना माने मां जितना कहे उतना करें मां का मुकाबला ना करें यह हर औरत की चाहत होती है फरमाया हां जरा ध्यान से सुने औरत को चाहिए कि खाना वजू के साथ बनाए कोशिश करें कि खाना वजू के साथ बनाए सर पर जो है दुपट्टा हो पिछोड़ी हो नमाज में जो पिछोड़ी पहनते हैं वो पहन लीजिए रुमाली पहन लीजिए बाल ढके हुए हो इसकी कोशिश करें दो चीजें तय कर ले कि हर हाल में मुझे खाना वजू के साथ बनाना है और रुमाली पहनकर बनाना है आप आदत डालिए ऐसी आदत पड़ जाएगी और इन शाह खाने में टेस्ट भी आ जाएगा और लज्जत भी आ जाएगी और खाने में बाल भी नजर नहीं आएंगे कितनी जगह खाने बैठते हैं तो खाने में से बाल निकलते हैं अल्लाह अकबर कबीरा कितनी बेअदबी है और कितनी बेतवजुही के साथ बनाया कि खाने में से सर के बाल निकले इसका क्या मतलब के सर पर रुमाली नहीं थी होटल में देखो वेटरों को बाकायदा ऐसी टोपी पहनाते हैं जिससे उनके बाल खाने में से ना निकले मैं आपको वेटर के साथ तस्वीर नहीं देना चाहता मैं एक बात समझाना चाहता हूं अल्लाह ने आपको आपको एक मकाम दिया है ये तीस हरकत ना करें जिसकी वजह से शोहर के दिल में आपकी मोहब्बत कम हो जाए आप खाना बनाते हैं क्या उस वक्त अल्लाह आपको नहीं देख रहा क्या ये खाना बनाने का वक्त जो है क्या ये दोबारा लौट के आएगा क्या ये वक्त दोबारा आएगा नहीं जो वक्त चला जाए वो दोबारा हाथ नहीं आता उस वक्त को भी हम कोशिश करें कि वसूल करें खाना बनाना एक बड़ी अहम चीज है बहुत अच्छा काम है तो खाना वजू के साथ बनाए सर ढका हुआ हो और कोई भी मसाला डाले बिस्मिल्ला बोले ये सब बातें आप नोट करें अपने दिल पर नोट करें ये एक, -एक पॉइंट इन ये आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त इनकलाब ला देंगे नमक डाले बिस्मिल्ला मिर्च डाले बिस्मिल्ला मसाला डाले बिस्मिल्ला चिकन मटन डाले बिस्मिल्ला सब्जी डाले बिस्मिल्ला और जब खाने के लिए जब चम्मच को हिलाए उसमें तो पड़े ला इलाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके बाद जब तक खाना बने वहां तक दुरू शरीफ पढ़ती रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की जुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई हम नेकी का काम करते हैं तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता नेकिया लिखता है और जब कोई गुनाह का काम करते हैं तो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता जो है वो गुनाह लिखता है लेकिन दुरू शरीफ ऐसा जामे और कीमती अमल है कि बंदा जब दुरुशरीफ पढ़ता है तो दोनों फरिश्ते जो है वो मशगूल हो जाते हैं बंदे ने पढ़ा सल्ला अलैहि वसल्लम तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता जो है वो दस नेकियां लिख देता है और गुनाह लिखने वाला फरिश्ता जो है वो दस गुनाहों को मिटा देता है दुरूद शरीफ ऐसा जामे और कीमती अमल है मेरे एक दोस्त तो मरहूम हो चुके रोजाना पांच हजार मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे हमारे शेख रहमतुल्लाह की रोजाना बारह हजार मरतबा दरू शरीफ पढ़ते थे दो तीन हफ्ते पहले एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई एक आध महीने पहले वो रोजाना तीस हजार मरतबा दस साल से दुरू शरीफ पढ़ रहे हैं तीस हजार मरतबा हम भी तो पढ़ लें आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारे तो खाना बनाते बनाते जब तक खाना बन न जाए सलम्बत की जुबान से क्वालिटी वाला हम दुरू शरीफ पढ़ने की कोशिश करें जब खाना बन के तैयार हो जाए फिर अल्लाह से दुआ करें कि बारी ताला जितने लोग ये खाना खाए आप सबको हिदायत फरमाइए और सबके लिए दीन पर चलना आसान फरमाइए और हो सके तो सात मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर उस ख... बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सात मरतबा पढ़कर उस खाने के अंदर दम कर दे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि खाने में नुरानियत आएगी दम करने के लिए जरूरी नहीं कि आप उसमें फूक मारे आप दूर से उसका तसवर करके भी आप फूक मार सकते हैं बाजे शोहर जरा शक्की मिजाज के होते हैं वो ये फूक मारने से कुछ और मुराद न ले वो ये ना समझे कि ये मेरी बीवी मुझे अपने कंट्रोल में करना चाहती है अल्लाह अल्लाहत फरमाए आज कल ऐसा माहौल चल रहा है औरतों की एक बहुत बड़ी जमात क्या दीनदार क्या बेदीन हसद की वजह से किसी को परेशान करने की वजह से किसी को तकलीफ पहुंचाने की वजह से पता नहीं कहाँ कहाँ साधुओं के पास जाती है गलत गलत इलाज लाती है और खाने में कुछ चीजें मिलाती हैं अब शोहर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती हैं और जो है जिससे परेशानी हो उसको परेशान करने की कोशिश करती हैं ओ मेरी बहन क्या तू ये भूल गई कि मरना है ऐसा करने वालों का अंजाम कितना खतरनाक होता है क्या ये साधु की ताकत ये अल्लाह की ताकत से ज्यादा है क्या ये पंडित की ताकत ये अल्लाह की ताकत से ज्यादा है हम क्या कर रहे हैं कहाँ जा रहे हैं और अपनी आखिरत को कैसे बर्बाद कर रहे हैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे लेकिन जो औरतें ऐसा करती हो उसको अल्लाह ताला सही समझ मजाता फरमाए आखिरत की बहुत बड़ी बर्बादी है जिंदगी तो वक्त अल्लाह ने अगर कयामत के दिन पूछ लिया जब अल्लाह सामने होंगे और हिसाब किताब चल रहा होगा और उस वक्त अगर यह बातें आएगी कि तूने ने फुला को परेशान करने की कोशिश की थी और अल्लाह ने पूछ लिया कि मैंने उसको वो नेमत दी थी उस नेमत पर तू असद क्यों करती थी तू जलन क्यों करती थी तू जहलैस क्यों होती थी क्या तू मेरी देन पर राजी नहीं थी क्या मैंने जो इसको नेमत दी थी क्या नवजुबिल्ला वो गलत मत दी थी क्या तू मेरी दी हुई नहमत पर क्या तू एतराज करती थी क्या किसी को परेशान करके कोई खुश हो जाता है क्या क्या उसकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी क्या अल्लाह नहीं देख रहे दो तीन दिन तेरा दाव तो चल जाएगा लेकिन तीस साल तक जो है वो तू परेशान हो जाएगी क्या तू वो भूल गई अल्लाह ताला हमें सही समझ आता फरमाए जब ये सारी बातें लोग हमारे कानों पर कहते हैं तो दर्द होता है दर्द होता है दिल दुखता है कि क्या हो गया और हमारी समाज और दीनदार औरतें ये आज कहां चली गई और कैसा अल्लाह को नाराज करने पे तुल गई कि आज जादूगिरी में पड़ गई पंडितों के पास जाने लगी क्या मौत भूल गई क्या अल्लाह नहीं देख रहे क्या अल्लाह ने उसको जो नेमत दी है क्या अल्लाह की दी हुई नेमत का क्या तुम मुकाबला करना चाहती है अरे सबसे खुश रहे और एक बात याद रखना परेशान होने वाला तो कभी न कभी खुश हो जाएगा लेकिन क्या जो परेशान करने वाला है क्या उसे भी खुशियाँ मिलेगी वो तो और परेशान हो जाएगा उसकी जिंदगी तलख हो जाएगी बेचैनी बढ़ जाएगी और उसकी नस्लें उसका नतीजा भुगतेगी उसकी नस्लें और उसकी औलाद उसका नतीजा भुगतेगी जिंदगी जो है एकदम अजीब और गरीब हो जाएगी ईमान कमजोर हो जाएगा और कबर में हाल बेहाल हो जाएगा और दुनिया में भी रसवाई होगी और आखिरत में भी रसवाई होगी अगर इस किस्म की बीमारी में कोई मुब्तला हो किसी को परेशान करना असरात करना गलत तरीके से अपने शोहर को काबू करना इस और इससे बचने की कोशिश करें अल्लाह तबारक वाल हमारी और पूरी दुनिया वालों की हिफाजत फरमाए ना साधुओं के पास जाने की जरूरत है ना आमिलों के चक्कर काटने की जरूरत है आप वक्त पर नमाज पढ़े हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े जब पांचों नमाज के बाद आप आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो चौबीस घंटे आप अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे नमाज के बाद सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर पर दम कर ले अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत करे जरा जरा सी बात पर आमिलों का चक्कर जरा जरा सी बात पर आमिलों का चक्कर और बहुत से आमिलों का हाल यह है कि सिर्फ पैसा कमाना उन्होंने अपना मतलब बना लिया है अरे तालिब दुनिया न बनो तालिब आखिरत बनो तालिब दुनिया न बनो तालिब आखिरत बनो तालिब दुनिया न बनो तालिब आखिरत बनो पैसा ले सकते नहीं ले सकते वो दूसरा मसाला है लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ मेरी मोहतरम दीदी माओ बहनों अल्लाह के हो जाओ अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा अल्लाह के हो जाओ अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा और जुबान का सही इस्तेमाल करो इस जुबान से आपकी जो दुआ निकलेगी अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं फरमाएंगे तो बात यह चल रही थी कि आप वजू के साथ जिक्र करती करती खाना बनाए ये खाना जब आपका शोहर खाएगा आपके शोहर के दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ जाएगी और बच्चे को कहें कि बेटा सीधे हाथ से खाएं उसे दुआ पढ़ा दें और वो छोटा हो ना पढ़ सकता हो तो आप दुआ पढ़ लें छोटा हो तो आप उसको वजू के साथ खिलाएं बच्चे को कहें बेटा अल्लाह का जिक्र करते करते खाओ तो बच्चे जो हैं ये आपके फरमा बरदार हो जाएंगे तो घर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है आपके साथ वो हल हो जाएगा कि अब शोहर आपका फरमा बरदार हो गया और बच्चे आपके फर्मा बरदार हो गए अब तो जो है वो जिंदगी गुजारने की एक मजा आ जाएगी और घर में एक रौनक और एक बहार हो जाएगी अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तोफीकता फरमाए एक बात यह रखनी थी कि हमेशा सच बोले और हलाल रोजी खाए सिदक हलाल सिदक मकाल और रिश्ते हलाल ये तसव्वुफ की बुनियादें हैं कि भाई जब भी बात करें क्या करें फरमाया हमेशा सच बोले और रिश्त कैसा खाए फरमाया कि हलाल रोजी खाएं सच नजात दिलाता है और झूठ हलाक करता है बच्चों को सबसे अहम और पहली और बुनियादी जो चीज हमें सिखानी है वो ये सिखाना है कि बच्चा बेटा हमेशा सच बोलो मेरी बेटी हमेशा सच बोलो अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो झूठ नहीं बोलते वो हमेशा सच बोलते हैं अब जब बच्चा सच बोले तो फिर उसके साथ क्या मामला करें वो भी जरा सुन लीजिए अक्सर बच्चा जो झूठ बोलना शुरू करता है वो या तो माँ बाप की वजह से या की वजह से वो कैसे माँ बाप ने सिखाया बेटा सच बोलना बच्चे ने कोई गलती कर दी माँ बाप ने कहा बेटा कहाँ गया था कहा मैं में बाजू में जाकर टीवी देखता था और माँ ने मारना शुरू कर दिया ताने देना शुरू कर दिया बच्चे ने देखा कि ये तो सच बोलने से मेरी पिटाई हो गई मेरी बेइज्जती हो गई तीन दिन बाद वापस टीवी देखने के लिए गया बेटा कहां गया था अम्मी मैं तो दोस्त के साथ बाहर खेल रहा था क्रिकेट खेल रहा था अच्छा 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 टीवी देखने तो नहीं गया था ना ना मां नहीं ना ना टीवी देखने नहीं गया था दोस्त के साथ खेल रहा था अब मां ने कुछ नहीं कहा बच्चे ने देखा कि कल सच बोला था ना मार पड़ी थी और आज झूठ बोला ना तो बच गया इसका मतलब सच में पकड़ जाते हैं और झूठ में बच जाते हैं वहां से वो ऐसा झूठ बोलना शुरू करता है कि जिंदगी झूठ बोलते बोलते धोखा देते देते गुजार देता है फिर वो बिजनेस में भी झूठ बोलता है और बहुत सी हराम रोजी घर में लाता है फिर घर का पूरा मामला अजीब हो जाता है उस्ताद की वजह से कैसे झूठ बोलता है बच्चा उस्ताद ने कहा बेटे कहाँ गए थे कहा कि मैं नानी के यहां गया था उस्ताद ने मारना शुरू कर दिया सच बोला बच्चे ने दोबारा फिर नहीं आया नानी के यहां गया था बेटा कहाँ गए थे उस्ताद सही में कहता हूं मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए नहीं आया था उस्ताद ने कहा चल बैठ जा बच्चे ने देखा कि सच बोला तो मार पड़ी और झूठ बोला तो बच गया इसका मतलब झूठ में नजात है बच्चा वहां से झूठ शुरू करता है मां बाप को चाहिए कि बच्चा सच बोले तो उसके सर पे हाथ फेरे देखो माशाल्लाह कितना अच्छा बच्चा है सच बोल दिया अच्छे बच्चे सच बोलते हैं सच्चा बोलते हैं और बच्चे जब कोई गलती करें सुबह की नमाज के वक्त कोई गलती की तो माँ बाप को चाहिए कि दो नमाज का वक्फा गुजर जाने दे असर के वक्त में जब बच्चा मुड़ में हो खुशी के मुड़ में हो तो उस वक्त कहना चाहिए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है बेटा टीवी नहीं देखनी चाहिए अल्लाह नाराज होते हैं अल्लाह फिर गुस्से हो जाएंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे तो बहुत ना ना ना। अच्छा है अब टीवी नहीं देखेगा और कितना अच्छा बच्चा है मेरा बच्चा तो सच बोलता है अब बच्चा जो है माँ बाप की बात पर गौर करेगा अगर हर बात पे गुस्से होना शुरू कर दिया कि बेटा तूने यूं किया और बेटी तूने यूं किया तो आज बीस टका बच्ची बिगड़ी थी ना तो कल तीस टका फिर चालीस टका पचास टका मुकाबला करना शुरू करेगा यहां तक कि आपके रोने के दिन आएंगे अगर तरबियत करने का अंदाज ठीक नहीं होगा अल्लाह से ये भी दुआ करनी चाहिए कि प्यारे अल्लाह मुझे मेरे शोहर और मेरे बच्चों के साथ किस तरह रहना और मेरे शोहर और मेरे बच्चों को मेरे साथ किस तरह रहना अल्लाह हम दोनों को इसकी सही समझता फरमाइए और हम लोग दोनों को एक दूसरे के साथ किस तरह रहना इसकी आप तोफीक और सादत अता फरमाइए अल्लाह से दुआ भी करते रहे और बच्चे को सच बोलना सिखाए पीराने पीर आ, महबूब सुभानी कुतुब रबानी हजरत शेख मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाई जो इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचे पीछे माँ की तरबियत का नतीजा था हर कामयाब मर्द के पीछे अक्सर किसी ने किसी औरत का हाथ होता है या तो माँ की शकल में या बीवी की शकल में या बहन की शकल में हर कामयाब मर्द के पीछे अक्सर किसी ने किसी औरत का हाथ होता है वो डाकुओं की जो पूरी जमात पीरा ने पीर के हाथ पर जो तौबा की थी वो क्या बात थी कि पीरा ने पीर ने सच बोला था वो दस साल की उम्र और माँ ने क्या कहा था झूठ न बोलना और वो सच बोलने की बरकत से डाकुओं की जमात ने तोबा की दस साल के बच्चे कितना बड़ा काम लिया। आज भी बच्चे पीराने पीर जैसे बन सकते हैं अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं और उसने अपने खजाने बंद नहीं कर लिए कयामत तक कोई पीराने पीर जैसा आएगा ही नहीं नाना ना, ना उसके खजाने खुले हुए हैं वो देख के लिए तैयार है लेकिन शर्त है कि पीराने पीर की माँ के जैसी कोई माँ भी तो हो जो माँ से तो मैं कहना चाहूंगा छोटे बच्चे हो बच्चे पेट में हो माँ के लिए जो है पहला मदरसा कहते हैं माँ की गोद पहला मदरसा है ना 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 ना, ना। माँ का पेट बच्चे के लिए पहला मदरसा है माँ की गोद ये दूसरा मदरसा है माँ जो है जब वो हामिला होती है तो उस वक्त जो वो अमल करती है प्रेगनेंसी के जमाने में तो उसका बच्चे के ऊपर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है रोजाना सूर्य पढ़े दुरुशरीफ पढ़े अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ये ऐसी औलाद दे कि इसे तेरे वलियों में से बना तेरे मकबूल तेरे महबूब और तेरे चहीते और तेरे लाडले बंदों में से बना तो हम जब अल्लाह से दुआ करेंगे और रोजाना सूर्य यूसुफ वगैरह की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि बच्चे के अंदर निखार पैदा होगा और फिर ये बच्चा जब बाहर आए वजू के साथ दूध पिलाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पिलाएं जिक्र करती करती दूध पिलाएं जो माँ जिक्र करते करते दूध पिलाएं और जो माँ व्हाट्सएप और चलाती चलाती सीरियल देखती देखती दूध पिलाएं दोनों के बच्चों की तरबियत में तो फर्क होगा ना कोशिश करें बच्चों की अच्छी तरबियत करें हजरत चिश्ती अजमेरी बंगाल का सफर किया सात लाख हिंदू मुसलमान हुए सत्तर लाख मुसलमानों ने आपके हाथ पर बैठे तोबा की घर आए तो बहुत खुश खुशहाल माँ ने कहा बेटा मोइन क्या बात है बड़े खुश नजर आते हो तो कहने लगे पूरा सफर की दस... सुनाई और कहा माँ मैं खुश ना हूँ तो फिर और क्या हूँ माँ ने कहा बेटा मोइनुद्दीन इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है ये तो तेरी माँ का कमाल है कहने लगे अम्मी जी आपका कमाल कैसे है माँ ने कहा बेटा मोइन जब तू छोटा था ना तेरी माँ ने तुझे कभी भी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया था ये उसकी बरकत है कहाँ है ऐसी माए और कहा ऐसी माए बुस्तामी की माँ जैसी माँ कहाँ है और बिशर हाफी की माँ जैसी माँ कहाँ है आज भी अगर माए ऐसी हो हो जाए तो दुनिया को दोबारा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जैसे देखने के मिलेंगे ख्वाजा जैसे, 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 जैसे उम्मत को दोबारा देखना नसीब होंगे अगर माए ऐसी हो जाए तो एक बात तय करें कि इंशाल्लाह बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं अच्छी तरबियत करें और बार बार गुस्से होना बच्चे पर यह बच्चे के दिल में नफरत डाल देता है कोशिश करें बच्चों की तरबियत का सलीका अल्लाह से मांगे और एक बात ये आपके सामने रखनी थी कि, कि काम को वक्त पर समेटने की आदत डालिए घर का काम काज ये बहुत बड़ी इबादत है इसको आप मामूली ना समझे सहाबियात घर का काम काज खुद किया करती थी घर में में झाड़ू लगाते वक्त अल्लाह से ये दुआ भी करें कि अल्लाह मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ आप मेरे दिल को भी साफ कर दीजिए आप मेरे दिल को भी साफ कर दीजिए औरतें घर की सफाई में दो तीन घंटे लगा देती हैं अच्छी बात है मैं मना नहीं करता मैं ये कहना चाहता हूँ एक आश अपने दिल की सफाई के लिए भी जो है वो कोई वक्त निकालती अपने दिल की सफाई के लिए भी जो है कुछ वक्त निकालती तो दिल की दुनिया बदल जाती बर्तन साफ होता है मांजने से और कपड़े साफ होते हैं शरफ और साबुन से ये दिल साफ होता है इस्तेफार से नदामत से अल्लाह के सामने रोने से एक और बात याद रख लीजिए कि खाविन को दुआओं के साथ रुख्सत करें औरत जो है ये दो मिनट को बहुत ही कीमती समझे एक मिनट वो जब खाविंद घर में आता है दूसरी मिनट वो जब खाविंद घर से बाहर जाता है शोहर के घर में आने का वक्त शोहर के घर से जाने का वक्त ये दोनों वक्त को बहुत अहमियत दे ये दो मिनट आपके घर में पूरे 24 घंटे की लाइफ में एक बहार ला देगी और रोजाना घर में एक मोहब्बतों वाला माहौल कायम होगा शोहर आए ना फौरन शोहर को लेने के लिए दरवाजे तक जाए शोहर सलाम करें सलाम का जवाब दे वो ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता सिखाने की कोशिश करें मुस्कुराते हुए चेहरे से शोहर का इस्तकबाल करें जब बीवी एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते हैं तो अल्लाह उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं अक्सर घरों में झगड़े इस सुन्नत पर अमल न करने की वजह से होते हैं अपने शोहर को जो है अहमियत दे शोहर आए मुस्कुराते हुए चेहरे से उसका करे। और फौरन ये सवाल ना मैंने आपसे फुला चीज मंगवाई थी वो आप लाए या नहीं लाए ना 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 ना, ना, ना फौरन इस किस्म की बातें न करें शोहर के दिल को जीतने की कोशिश करें उसको अच्छी जगह बिठाएं उसको पानी पिलाएं कैसे हो खैरियत से हो और जो है उसकी थोड़ी खिदमत करें ये एक मिनट और दूसरा मिनट जब शोहर जा रहा हो उसको दरवाजे तक रखने के लिए आए मुस्कुराते हुए चेहरे से मिले कहे कि सलाम कर लीजिए और जो है दुआ पढ़ लीजिए और दुआओं के साथ रुख करें कभी कभार एक बात कह दे। देखो आप हलाल रोजी के लिए कोशिश करना अगर किसी वजह से न मिले तो आप सूद अच्छी तरह मौका देखकर समझाकर समझा कर कि आप जो है गलत रकम न लाना गलत पैसे न लाना और हमारी इस मामले में आप ज्यादा फिकर न करना और हमें हराम रिश्ता न खिलाना सूद वगैरह की रकम न खिलाना जरूरत पड़ी तो हम चटनी रोटी खा लेंगे और जरूरत पड़ी तो हम फाका बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन गलत रकम हमारे और हमारे बच्चों के पेट में न जाए इसकी कोशिश करना तो शोहर के अंदर भी एक जज्बा और एक हिम्मत और एक वलवला आएगा और दुआओं के साथ रुख्सत कि अल्लाह दुकान पर रहते हुए मेरे शोहर को आपके अहकाम पर चलने की तोफीक अता फरमा सच बोलने की तोफीक अता फरमा और ग्राहक के साथ की साथी फरमा नजर की हिफाजत की तोफीक अता और इन्हें आप हल रोजी अता फरमाइए औरत को चाहिए कि शोहर के घर आने से पहले वो अपने आप को साफ सुथरी रखे अच्छे कपड़े पहन लें और मैं ये नहीं कहता कि वो रोजाना दुल्हन बन जाएं और वो दुल्हन के टाइप कपड़े पहन ले मैं समझाना चाहता हूं अच्छे कपड़े पहने जरा बाल बना ले और हो सके तो अपने चेहरे पर जरा पाउडर वगैरह लगाती हो वो लगा ले काजल लगाती हो जो सही हो वो लगा ले जरा अच्छी सी तैयार होकर अपने शोहर के सामने आए ताकि उस शोहर को शोहर उसको देखे तो शोहर का दिल खुश हो जाए यूं फरमाया कि औरतों को चाहिए कि घर में दुल्हन की तरह रहे और बाहर एक सीधी शादी होकर जाए सीधा सादा ढीला ढाला बगैर सेप पड़े ऐसा बुरका हो ताकि हमारे बुरके पर भी किसी की नजर न पड़े बुरके पर चमक दमक ना हो डिजाइन ना हो बुरके का मतलब अपने आप को छुपाना आजकल औरतें ऐसा बुरखा पहनती है कि जिससे न देखने वाले की नजर भी उस पर पड़े तो ये तो पता नहीं है क्या चाहती है अल्लाह ताला हमें सही समझता फरमाया आप पर्दा करती है अल्लाह को खुश करने के लिए और मैं आपको बताऊं आपका जब इंतकाल होता है और कबर पर आपकी कबर पर भी पर्दा किया जाता है वो भी डिजाइन वाली चादर नहीं होती सीधी साधी चादर होती है कफन की चादर डिजाइन वाली होती है कफन की चादर भी सीधी सादी होती है और आपकी कबर के ऊपर भी पर्दा किया जाता है और ऐलान होता है महरम रिश्तेदार करीब में आए अल्लाह अकबर शरीयत यह भी पसंद नहीं करती कि औरत के इंतकाल के बाद उसके जिस्म पर किसी की नजर पड़े तो जिंदगी में शरीयत कैसे पसंद कर सकती है और अफसोस इस बात का है कि बहुत सी औरतें बुरका डिजाइन वाला पहनती है सादा बुरका उनको समझ में ही नहीं आता लोग क्या कहेंगे अरे लोगों के लिए बुरका पहन रही है लोगों की नजर नजर न पड़े इसके लिए बुरका पहनाया जा रहा है और औरतें ऐसा बुरका पहनती है ताकि लोगों की नजर पड़े कलरिंग बुरखा डिजाइन वाला बुरखा फैशनेबल बुरखा और शादी शादी में पहनने का बुरका अलग क्या ये बुरखा अल्लाह के यहाँ नजात दिला देगा क्या ऐसे बुरखे से अल्लाह खुश हो जाएंगे अरे अल्लाह को खुश करना है और काम तो ऐसा कर रहे हैं जिससे अल्लाह नाराज हो इस आजिज की बात पर जरा गौर करना थोड़ी दिल पे लगेगी दिल पे चुभेगी थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन इन अल्लाह के यहाँ ये बातें आपको जो है ये काम आएगी कबर में ये बातें काम आएगी दुनिया से जाने के बाद इस आजिश को आप दुआएं देंगे हमारे यहाँ तो अजीब हाल है औरतों को चाहिए घर में दुल्हन की तरह रहें तो अजीब हाल है औरतें घर में काम वाली की तरह रहती हैं और बाहर दुल्हन की तरह रहती है कितने मर्दों की शिकायत है हमारी औरतें पूरा दिन नाइटी पहनकर घर में जो है वो घूमती रहती है एकदम काम वाली की तरह कि शोहर की अच्छी नजर भी उस पर पड़नी हो तो शोहर दस बार सोचे अरे अल्लाह की बंदी तुझे चाहिए कि तू शोहर के लिए जीनत इख्तियार कर शोहर के लिए तैयार हो क्या तू सोच के क्या तू शोहर के लिए कभी तैयार होती है या बाहर जाना हो जब तू साबुन से मुंह धोती है का, और जो है 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 अपने चेहरे को साफ करती है, बार बार आईने में देखती है, तो लोगों के पास जाना हो तो दुल्हन की तरफ बन के जाती है और शोहर के पास रहना हो तो वैसे ही गंदे कपड़े और अजीब और गरीब हाल चाल हमारी आ, मैं तो करना चाहता हूं औरतों से गुजारिश करता हूं के शोहर के सामने दुल्हन की तरह रहे इससे भी आपके शोहर के दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी एक बात याद रखे आपके लिए पूरी दुनिया एक तरफ आपके लिए आपका शोहर एक तरफ अगर आपको ये देखना हो अल्लाह खुश है या नाराज है क्या करें फरमाया कि अपने शोहर को देख ले अगर शोहर खुश है तो अल्लाह भी खुश है और अगर शोहर नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है एक बात याद रखिए अपने शोहर को सदका खैरा करने की तरगीब देती रहे अपने शोहर को सदका खैत करने की तरगीब देती रहे नबी है करीम वसल्लम ने कसम खाकर इर्शाद फरमाया सदका देने से इंसान के माल में कमी नहीं होती अल्लाह अकबर कबीरा एक तो हमारे नबी का इर्शाद वही काफी था और एक तो आका का कसम खाकर के ना हमारे नबी कोई बात कसम खा कर कहे हो 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 आका ने कसम खा कर इर्शाद फरमाया सदका देने से इंसान के माल में कमी नहीं होती यहां पर मैं एक बात आगे अर्ज कर दूं कि कसम जो है ये बहुत अहमियत का बहुत अहम काम उस वक्त खानी चाहिए हर छोटी मोटी बात पर कसम नहीं खानी चाहिए और कसम जब भी खाए ये हमें शरीयत की तालीम है हमारे नबी की तालीम है कसम जब भी खाए सिर्फ अल्लाह की कसम खाए ये नहीं मेरे शोहर की कसम मेरे बच्चों की कसम मेरी इज्जत की कसाम ना, ना ना शोहर कसम जो खाई जाएगी वो सिर्फ अल्लाह की अल्लाह के अलावा अल्लाह के की कसम नहीं खाई जाएगी अल्लाह ताला हमें शरीयत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की फरमाए मैं तो आपको भी मशवरा देना चाहता हूं आप अपने शोहर से मशवरा करें कि आपको जो खर्ची मिलती है उसमें हजार पर दस रुपये लिल्लाह अल्लाह के लिए निकालने की कोशिश करें इंशाल्लाह बरकतें आएगी जब आपको खर्ची मिले बिस्मिल्ला बोल कर ले बिस्मिल्ला कर और अल्लाह से दुआ करे अल्लाह ये खर्ची में बरकत डाल दे हमारे यहाँ औरतें क्या सोचती है आठ हजार के दस हजार हो जाए दस के बारह हो जाए बारह के पंद्रह हो जाए आठ हजार थे जब भी परेशान थी दस थे जब भी परेशान थी पंद्रह है जब भी परेशान थी किसी के यहाँ पच्चीस है वो भी परेशान है पचास है वो भी परेशान है झोपड़ी वाला भी परेशान है बंगले में रहने वाला भी परेशान है अजीब हाल है अरे ये दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह ये खर्ची में आप बरकत डाल दीजिए और अपने शोर से मशवरा कर ले और हजार पर दस रुपये अल्लाह के लिए निकालने की कोशिश करे दस हजार खर्ची मिलती हो तो सौ अल्लाह के लिए निकाल दे पांच हजार मिलती हो पचास रुपए अल्लाह के लिए निकाल दे और अपने से नीचे वाले को देखे जिनको बेचारे को खर्ची कम मिलती है कितने ऐसे जिनके शोर नहीं है उन्हें खर्ची नहीं मिलती कितने ऐसे जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है न खुद का न भाड़े का और फुटपाथ पर उनकी जिंदगियां गुजर रही है कितनी वो औरतें जो खुद मेहनत करके कमा रही है दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखे ताकि अल्लाह का शुक्रिया अदा करने की तोफीक हो और दीन के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए और एक मशरा देना था कि अगर घर बड़ा हो अच्छा बड़ा बंगला हो तो अपने घर में एक कमरा नमाज के लिए खास कर ले इनशाला कुरान शरीफ रखा हुआ हो फाइल अमान रखी हुई हो दीनी किताबें रखी हुई हो तस्बीहात रखी हुई हो मुसल बिछे हुए हो तो फिर क्या हो अगर किसी औरत को ये देखना हो कि मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक कितना मजबूत है क्या करें फरमाया कि मुसल्ले पर अपना वक्त देख ले मुसल्ले पर जितना वक्त ज्यादा होगा इतना ही अल्लाह के साथ का ताल्लुक मजबूत होगा अल्लाह ताला हमें अमल की तोहफी अता फरमाए हमारे घर में अगर घर छोटा भी एक ही बेडरूम है तो उसमें कोई एक जगह ऐसी हो कि उसमें मुसल्ला बिछा रहे हमारे यहाँ सोफे की जगह फिक्स बेड की जगह फिक्स खाने की जगह फिक्स सोने की जगह फिक्स तैयार होने की जगह फिक्स बाथरूम की जगह फिक्स सब जगह फिक्स है सब जगह इंसान वक्त पे चला जाता है किचन में वक्त पे चला जाता है जैसे ही फारिग हो सोफे पर कुर्सी पर बिस्तर पर आके बैठ जाता है क्या बात है कि मुसल्ले की कोई जगह फिक्स नहीं है ताकि मुसल्ले पर बैठने की आदत पड़े मुसल्ले पर तो सिर्फ नमाज के वक्त बैठते एक काश एक जगह ऐसी हो जहां मुसल्ला बिछा हुआ हो ताकि हमें मुसल्ले पर बैठने की भी तोफी हो अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए पहले कुछ ऐसी थी पूरा दिन अपने मालिक की खिदमत करती और रात अल्लाह की मोहब्बत में गुजार देती थी एक गुजारिश ये थी कि फोन पर मुख्तसर बात करने की आदत डाले बहुत सी औरतें फोन पर लंबी लंबी बातें करती है पंद्रह मिनट बीस मिनट आधा घंटा ओ हो हो कितनी लंबी लंबी बातें अल्लाह पता नहीं समझ नहीं आता कि क्या बातें करती होगी एक के बाद दूसरा फोन दूसरे के बाद तीसरा फोन कहती है फोन फ्री है टाइम पास हो रहा है अरे दुनिया टाइम पास करने की जगह नहीं है फोन का वक्त फ्री है तो क्या आखिरत की बर्बादी के लिए फ्री है क्या लोगों की करने के लिए फ्री है फोन पर मुख्तसर बात करने की आदत डाले दो फायदे होंगे एक तो वक्त बचेगा दूसरा गीबत नहीं होगी उस वक्त को दरूशरीफ पे गुजार दे पांच सात हजार मरतबा दुरू शरीफ जो है वो रोजाना पढ़ ले और एक गुजारिश यह करनी थी कि अपने पास एक डायरी रखें और घर में किसी चीज की कमी हो कोई जरूरत हो तो उसको लिख ले नंबर एक चाय पत्ती की जरूरत है नंबर दो लाल मिर्च खत्म हो रही है वो लिख ले बहुत सी मरतबा औरत शोहर से बातें करती है और कहती है ओह मैं एक चीज पूरा दिन याद किया था फिर भूल गई वो डायरी बनी हुई हो तो शोहर को भी तकलीफ ना हो एक साथ वो चीजें लाकर दे दे या आप लेने जाओ तो एक साथ लेकर आओ अभी एक चीज लेकर आए फिर एक चीज भूल गए फिर टोमेटो के चप भूल गए फिर नमक भूल गए फिर फुला चीज भूल गए अल्लाह तला हमें सही समझ आता फरमाए और एक बात करनी थी के बच्चों के बारे में खाविन से मशवरा करती रहे ताकि खाविन को लगे कि ये मुझे अहमियत देती है बच्चों के बारे में खाविन से मशवरा करती रहे कि बच्चे माशाल्लाह ये पढ़ रहे हैं और बच्चे जब स्कूल जाए तो बच्चों को अच्छा तैयार करे बच्चों को वक्त दे स्कूल से आए जब पांच दस मिनट बतौर खास दे उसको मोहब्बत दे जब मदरसे जाए तो स्कूल के वक्त में कैसा तैयार किया था उससे अच्छा मदरसे के लिए तैयार करे स्कूल की बैग पीछे भराते क्यों वो काम आने वाली चीज नहीं है आखिरत में और तीन साल का बच्चा मकतब भी जाता है तो तख्ती सीने पर लग कर जाता है क्यों बच्चे को पता है कि ये चीज मेरे काम आने वाले मत जाए आए जाने से पहले आने के बाद उसको वक्त दे वक्त पर उनको खाना खिलाए उनको सोने से पहले सोने की दुआएं पढ़ाए इतना आदि बना दे कि बच्चा खुद कहे कि मम्मा मुझे दुआ पढ़ाओ मम्मा मुझे दुआ पढ़ाओ उन्हें, उन्हें जन्नत की बातें सुनाए अल्लाह की मोहब्बत की बातें सुनाए ताकि बच्चा यूं कहे मैं अल्लाह का वली बनूंगा मैं हाफिज बनूंगा मैं आलिम बनूंगा मैं कारी बनूंगा मैं मुफ्ती बनूंगा मैं दीन का जो है वो दाई बनूंगा बच्चों के लिए दुआ करें जमजम का पानी हो तो नियत करके पिलाए और बच्चों को बदवा न दे इनशाला बच्चों की तरबियत के उन्वान पर इंशाला एक मजलिस करेंगे अब जो है बुधवार के दिन ये चार बजे से मजलिस होगी मस्तूरात की बुधवार के दिन बतौर खास मस्तूरात के लिए उसमें बच्चों की तरबियत पर भी कुछ बात होगी और दूसरे कुछ टॉपिक पर भी इंशाला बात होगी तो बात चल रही थी कि बच्चों के बारे में खाविन से मशवरा करती रहे एक बात यह थी कि के पाकी क्या में खाविन की जरूरत पूरी करने में कोई तरद न करें शरीयत की हदूद में रहकर और एक बात यह सुन लीजिए कि आपको लगे कि खाविन जब परेशान है तो उसको तसल्ली दे कि देखो ये दिन भी गुजर जाएगा और हर तकलीफ के बाद राहत है इंशाल्लाह राहत आ जाएगी जिंदगी एक दिन गुजर जाने वाली है क्या ये दिन नहीं गुज़रेगा उसको तसल्ली दे इससे भी उसके दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी और मेरी दीनी माओ बहनों एक बहुत ही अहम बात अपने दिल का गम फकत अल्लाह के सामने बयान करें अपने दिल का गम बहुत से गम होते हैं कि भाई ये गम है ये तकलीफ है ये तकलीफ है किसी की सास के साथ नहीं बनती सास की बहू के, के, के साथ नहीं बनती नड़न के साथ नहीं बनती देरानी के साथ नहीं बनती जेठानी के साथ नहीं बनती ससुराल वालों की तरफ से ये तकलीफ है और सास को बहू की तरफ से ये तकलीफ है ये और शोहर की तरफ से ये तकलीफ है लोगों के सामने बयान करने से क्या फायदा उनके हाथ में परेशानियों का हल है ही नहीं आज तक लोगों को बयान करते रहे क्या परेशानी खत्म हो गई ना ना बल्कि सामने वाला भी टेंशन में आ गया एक आश तहजुत के वक्त में चार का रखते हैं और जो है अच्छी तरह करती, मुसल्ला के दो रकात पढ़ती और लोगों को जो बात है, एक इतनी के सामने रख देती तो इसकी जिंदगी में बहार आ जाती लोगों के सामने जो बातें करती है ये तकलीफ है ये गम है इतनी बातें अगर अल्लाह के सामने रख देती और सच्चे दिल से दुआ कर लेती तो तो उम्मीद है कि गम खत्म हो जाते आज तक जो गम है वो खत्म हो गए या बढ़ते चले गए बढ़ते ही चले गए परेशानियां रोजाना बढ़ती जा रही है क्या बात है हम अपने दिल की बातें दूसरों से शेयर कर रहे अल्लाह के सामने नहीं रख रहे अल्लाह के सामने बात रखें फरमाया मांगो उसी से जो दे खुशी से और न कहे किसी से और एक बात याद रखे अगर अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो तो मखलूक की तात न करे भाई लोगों को इस तरह खुश किया जा रहा है कि अल्लाह ही को नाराज कर दिया ओह हो, हो, हो क्या मतलब का ऐसा लोगों को खुश करना और लोगों के साथ इस तरह अखलाक से पेश आना और ये तस्वर करना कि लोग कहेंगे कितने अच्छे अखलाक वाली औरत है ये तो अपनी आखिरत को बर्बाद करना है अखलाक पेश करे अल्लाह के लिए कि मुझे हर एक के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है इस्लाम का जो है मजबूत अमल है अच्छे अखलाक से पेश आना अच्छे अखलाक को अपनाना इसलिए मैं अखलाक पेश कर रही ये नहीं कि लोग मेरी तारीफ करें कि ये तो बड़े अच्छे अखलाक वाली औरत है ये तो बड़ी खिलाने पिलाने वाली औरत है ये तो बड़ी सखी औरत है ये तो बड़ी जिक्र असकार वाली औरत है अपनी तारीफ करवाने के लिए नहीं अपना मामला अल्लाह पर छोड़े कहा नीकी कर दरिया में डाल बदी हो जाए तो जेब में रख और आखिरी बात ये थी कि अपने बच्चों की सही तरबियत करे बच्चों को बदवा न दे और सास बहु जो ये आपस में मोहब्बतों के साथ रहे अगर सास बहू को सगी बेटी की तरह समझ ले और बहु सास को सगी माँ की तरह समझ ले तो फिर उस घर से झगड़े खत्म हो जाए जिस घर में सास बहू को ताना देती रहती हो बुरा भला कहती रहती हो और उसकी गलतियों को उछालती रहती हो और बहू भी सास की गिबतें करती रहती हो उसके ऐ भी देखती रहती हो फिर उस घर में बहारे कैसे आएगी तकरीबन क्या नेक गराना क्या बदगराना अक्सर गराने का यह माहौल है रात सोने से पहले मियां बीवी सास ससरे की गीबत करते हैं और सास ससुरे मिलकर बहू बेटे की गीबत करते हैं और गीबत करते करते दोनों सो रहे होते हैं उस घर पर अल्लाह की नजर करम कैसे होगी और उस घर में बाजीर मुस्तानी जैसे कैसे आएंगे और उस घर में बहारे कैसे आएगी यूं फरमाया कि जिस घर में तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में तस्वीर और कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो जिस दिल में गैर-अल्लाह की तस्वीर होगी उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आएगी जिस दिल में की मोहब्बत होगी जिस घर में तस्वीर हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो जिस घर में टीवी हो उस घर पर अल्लाह की कैसी लानत बरसती होगी आप इसका अंदाजा कर सकते हैं वो घर में क्या मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाए क्या घरों में बाहर आ जाए क्या उनके घरों में निखार आ जाए अरे मैंने देखा उस घर में अक्सर जो है परेशानियां चलती रहती है कोई न कोई तकलीफ जब से टीवी आई उस वक्त से अंदाजा करें तो चाहे पैसा आ रहा हो लेकिन तकलीफ बड़ी से बड़ी ये ऑपरेशन ये तकलीफ ये बीमारी ये बच्चा गिर गया यूं हो गया जितना भी भी पैसा हो वो घर वाले हमेशा परेशान रहते हैं डिप्रेशन का शिकार रहते हैं दो काम बनाने जाते चार काम बिगड़ जाते हैं चार काम बनाने जाते आठ काम बिगड़ जाते हैं और उनको मौत के वक्त कलमा मिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और पता नहीं उनका कबर में क्या होगा अल्लाह के यहां क्या होगा अगर घर में ये मुसीबत और ये शैतान हो इसको पहली फुर्सत में निकालो इसको पहली फुर्सत में निकालो अगर शोहर ना माने समाज का बहाना करे तो अल्लाह के सामने रट लगाओ अरे आप तो क्या नहीं कर सकती हो आप तो शोहर को हर चीज मना लेती हो बाहर से क्या लाना है आप मना लेती हो अरे एक लतीफा याद आया एक छोटे बच्चे ने अपनी मां से कहा कि अम्मी मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर बाहर जा सकूं तो उसकी मां ने कहा बेटा चुप रहे अभी तक तो तेरा बाप भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मुझे पूछे बगैर बाहर जा सके बेटा तेरा अब्बा भी पूछ के जाते तू कहां से इतना बड़ा होगा तो घर में तो आपकी चलती है एक बादशाह के घर में भी औरत की चलती थी तो बादशाह ने एक मरतबा ऐलान किया अगर कोई ऐसा शख्स हो कि घर में उसकी चलती हो उसकी औरत की न चलती हो तो बादशाह के शाही खजाने से उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा बादशाह को भी पता था कि अक्सर घरों में औरतों की चलती है होम मिनिस्टर की चलती है वो मर्दों पर हावी होती है तो उसने ऐलान किया कि अगर किसी घर में शोहर की चलती हो और वो प्रूफ से साबित कर दे तो बादशाह के शाही खजाने से उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा बहुत से लोग आए बीवी को समझाया कि देख घर में चलती तो तेरी ही है लेकिन तू जरा साबित कर देना कि घर में मेरी चलती है तो बादशाह की तरफ से बड़ा इनाम मिलेगा तेरा भी काम हो जाएगा मेरा भी काम हो जाएगा बहुत से लोग आए बादशाह ने बातों में घुमा घुमा उनको पकड़ लिया और पकड़ा गए तो खाली हाथ जाना तो अच्छी बात नहीं सबको सेब दे दिया एप्पल दे दिया सफरजन दे दिया और बोला जाओ आपके घर में आपकी बीवी की चलती है एक शख्स ने बहुत ही पक्का के प्रूफ से साबित कर दिया कि देखो बादशाह मेरे घर में मेरी चलती है बादशाह ने कहा बिल्कुल सही बात है आपके घर में आपकी बीवी की नहीं चलती कहा कि इन्हें शाही खजाने से बड़ा इनाम दिया जाए तो ब्लैक कलर का जवान घोड़ा उसको इनाम में दिया गया अब घोड़ा उस जमाने की सबसे कीमती सवारी उस जमाने में गधे भी चलते थे खच्चर भी चलते थे ऊंट भी चलते थे ऊटनिया भी चलती थी तो घोड़े यानी उस जमाने की मर्सिडीज जिस तरह हमारे रे अभी नैनो भी चलती है i20 भी चलती है सेंट्रो भी चलती है ओडी भी चलती है मर्सिडीज भी चलती है जाहिर बात है ओडी और मर्सिडीज का मकाम ऊंचा है तो जो है वो उसको कीमती सवारी ब्लैक कलर का घोड़ा दिया वो घर में गया और कहा देख मैं जीत कर आया और बादशाह ने मुझे इनाम दिया बोले इनाम में क्या लाए कहा कि मैं ब्लैक कलर का घोड़ा लाया काओ, हो 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 घोड़ा तो चाहिए ही था लेकिन ब्लैक नहीं व्हाइट कलर का सुफेद कलर का घोड़ा चाहिए था काले रंग का नहीं बादशाह के पास क्या कमी है जाओ बादशाह के पास और बादशाह को जाकर कहो कि आपको क्या तकलीफ है आप सुफेद रंग का घोड़ा दे दो बादशाह तो वहीं बैठा था ये फौरन बादशाह के पास गया बादशाह ने कहा अभी आपको इनाम दिया अब आप कैसे आए कहा कि बादशाह सलामत वो जरा एक माजिरत थी कि आपने जो ब्लैक कलर का घोड़ा दिया था वो जरा सफेद कलर का दे दो अच्छा भाई सफेद कलर के घोड़े की आपको क्या जरूरत पेश आई कहा कि वो मेरी बीवी ने कहा ब्लैक नहीं सफेद ले आओ बादशाह ने कहा चल घोड़ा जमा करवा इसका मतलब ये कि तेरे घर में भी तेरी चलती नहीं है उसको एप्पल दिया वो एप्पल लेके घर गया तो बीवी ने कहा ये कहा ये क्या लेकर आए घोड़ा कहाँ है शोहर ने कहा चुपचाप खा ले बादशाह को पता चल गया कि घर में तेरी ही चलती है अल्लाह अकबर कबीरा वजीर ने बादशाह को कहा बादशाह अगर सबको बकरी या बकरी का बच्चा दे देते तो आपके खजाने में क्या कमी होती सबको एप्पल दे दिया बेचारे बड़ी उम्मीद लगाकर आए थे बादशाह ने कहा वजीर में भी मजबूर था मेरी औरत ने कहा था कि जो भी फेल हो जाए सबको एप्पल सेब देना इसके अलावा कुछ नहीं देना तो वजीर ने कहा इसका मतलब बादशाह आपके घर में भी आपकी चलती नहीं है एक जगह में संडे के एक जगह में बयान के लिए गया था वहां वालों ने कहा कि मौलाना संडे के दिन इतवार के दिन जो है अगर आपका बयान जो हो जाए तो मजमे को बहुत फायदा हो तो मैंने आहिस्ता से कहा कि भाई संडे का दिन तो जरा फैमिली के लिए रखा है फैमिली को वक्त देता हूं पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा कि मौलाना को भी सेब दे दो मौलाना को भी एप्पल दे दो अल्लाह अकबर कबीरा खैर अल्लाह ताला हमारे घर में एक मोहब्बतों वाला माहौल कायम फरमाए दुआ करे तहज्जुद का अहतमाम करे वक्त में नमाज पढ़े इंशाल्लाह अब ये आज रात में भी मजलिस होगी और उसमें जरा बच्चों को वालिदैन के साथ किस तरह रहना चाहिए शोहर को बीवी के साथ किस तरह रहना चाहिए एक शोहर को कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए वो मजलिस होगी वो पूरी फैमिली के लिए आप सब लोग घर में मिलकर बैठकर वो सुने वो रोजाना रात में दस से साढ़े दस ऑनलाइन मजलिस होती है जब तक ये लॉकडाउन का जमाना है ये ऑनलाइन मजलिस इंशाला चलती रहेगी और मस्तुरात की बतौर खास जो मस्तुरा के लिए मजलिस होगी अब वो बुधवार के दिन चार बजे होगी वो भी आप सुने उसमें हम ये बात करेंगे कि अब बच्चों की तरबियत कैसे करें और अल्लाह वालों की माओ ने कैसी तरबियत की और हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक कैसे मजबूत हो जाए और हमारा कॉन्टेक्ट अल्लाह के साथ मजबूत हो जाए अपने ईमान को मजबूत करें अमले सालीहा करते रहें हर वक्त अल्लाह की याद में रहें अल्लाह ताला हमें मरने से पहले पहले आखिरत की तैयारी की तोफी कताफर माए हादुतायद दुआ कर लीजिए अल्हम्दुलिल्लाही रब्बील अल्लामीन والعقبة للمتقين يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب الله رحم مولاه كريم قا الله يبصي ماي بنه مستور मस्तूरात ये ऑनलाइन मजलिस जो है ये सुन रही है और आपके सामने हाथ फैलाई हुई है प्यारे अल्लाह औरतें तो दुनिया के सामने दुनिया वालों के सामने कोई बात रखे तो दुनिया वालों को भी रहम आ जाता है ये तो आपके सामने हाथ फैलाई हुई है प्यारे अल्लाह इन औरतों पर रहम फरमा इन्हें बेहतरीन जिंदगी अता फरमा अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा प्यारे अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा अपना ताल्लुक अता फरमा ये कही सुनी बातों पर अमल की तोफीक अता फरमा प्यारे ला शोहरों के दिल में प्यारे ला ये शोहरों औरतों औरत और मियाँ शोहर और मियाँ बीवी में अल्लाह आपस में एक मोहब्बतों वाला माहौल कायम फरमा दोनों को किस तरह आपस में रहना है इसकी दोनों को सही समझ अता फरमा और एक माँ को बच्चे के साथ किस तरह रहना और बच्चे को माँ के साथ किस तरह रहना अल्लाह दोनों को इसकी सही समझ अता फरमा घर के माहौल को एक बेहतरीन माहौल बना हमारे घर के माहौल को मदनी माहौल बना हमारे घर के मुआरे को मदनी महाशरा बना हमें आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की तोफ़ी अता फरमा आप भी हमसे खुश हो जाइए आपकी मखलूक को भी हमसे खुश कर दीजिए ऐसी काबिल के जिंदगी अता फरमाइए कि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ न पहुंचे अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा औरतों के दिल में बहुत सी बातें जाइस तमन्नाएं और नेक मुरादे होगी अल्लाह वो आप देख रहे हैं अपने खजाना गैब से पूरा फरमा अल्लाह इनकी जरूरतों को पूरा फरमा इनकी परेशानियों को दूर फरमा अल्लाह कितनी औरतें चाहती है मेरे बच्चे नेक हो जाए अल्लाह नेक बना

कि इस पूरे प्रोग्राम की वीडियो फैजान फारूक भाई साइकिल वाले इनके यूट्यूब चैनल पर पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह मिल जाएगा